आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज भगवान के परिवार को जानिए। चित्रगुप्त महाराज की पत्नी माता सूर्य दक्षिणा अर्थात नंदिनी के पुत्रों का विवरण जानिए। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के वंशजों उनका अंश जिनमें है उन्हें कायस्थ कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की काया से ही न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज प्रकट हुए थे। भगवान चित्रगुप्त के परिवार के बारे में आज आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय चित्रगुप्त देवा जय श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूली। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के वंशजों को कायस्थ कहा जाता है। कायस्थ की 12 प्रमुख शाखाएं हैं। श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी को महाशक्तिमान क्षत्रिय के नाम से संबोधित किया गया है। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी के 2 विवाह हुए। पहली पत्नी सूर्य दक्षिणा जिन्हें नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्राह्मण कन्या थी, इनसे 4 पुत्र हुए जो भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यभानु कहला। दूसरी पत्नी एरावती जिन्हें शोभावती के नाम से भी जाना जाता है, नागवंशी क्षत्रिय कन्या थी, इनसे 8 पुत्र हुए जो चारु, चित्चारु, मतिभान, सुचारु, चारुन, हिमवान, चित्र और अतिन्द्रिय कहला। इसका उल्लेख अहिल्या, कामधेनु, धर्मशास्त्र एवं पुराणों में भी दिया गया है। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के 12 पुत्रों का विवाह नागराज बासुकी की 12 कन्याओं से संपन्न हुआ, जिससे कि कायस्थों की ननिहाल नागवंश मानी जाती है और नागपंचमी के दिन नाग पूजा की जाती है। माता सूर्य दक्षिणा या नंदिनी श्राद्ध देव की कन्या के 4 पुत्र काश्मीर के आसपास जाकर बसे तथा एरावती अर्थात शोभावती के 8 पुत्र गौर देश के आसपास बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल में जा बस। बंगाल उस समय गौर देश कहलाता था, पद्म पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। जानिए माता सूर्य दक्षिणा अर्थात नंदिनी के पुत्रों के विवरण के बारे में। सबसे पहले भानु जिन्हें श्रीवास्तव माना गया है, उनका राशि नाम धर्मध्वज था। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज ने श्री श्री भानु को श्रीवास, श्रीनगर और कांधार के इलाके में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। उनका विवाह नागराज वासुकी की पुत्री पद्मिनी से हुआ। उस विवाह से श्री देवदत्त और श्री घनश्याम नामक 2 दिव्य पुत्रों की उत्पत्ति हुई। श्री देवदत्त को कश्मीर का एवं श्री घनश्याम को सिंधु नदी के तट का राज्य मिला। श्रीवास्तव 2 वर्गों में विभाजित है, पहला खर एवं दूसरे कहलाते हैं दूसा। कुछ अल इस प्रकार है, वर्मा, सिन्हा, अघोरी, पड़े, पांड्या, रायजादा, कानूनगो, जगधारी, प्रधान, बोहर, रजा सूरजपुरा, तनदवा, वैध्य, बरवारिया, चौधरी, रजा संडीला, देवगन इत्यादि। दूसरे विभानु जिन्हें सूर्य ध्वज माना गया है, उनका राशि नाम श्याम सुंदर था। उनका विवाह देवी मालती से हुआ। महाराज न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज ने श्री विभानु को काश्मीर के उत्तर क्षेत्रों में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। चूंकि उनकी माता दक्षिणा सूर्य देव की पुत्री थीं, तो उनके वंशज सूर्य देव का चिन्ह अपनी पताका पर लगाए और सूर्य ध्वज नाम से जाने गए। अंतः वह मगध में जाकर बस गए। इसके बाद बारी आती है तीसरे अर्थात विश्वभानु जिन्हें वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। उनका राशि नाम दीनदयाल था और वह देवी शाकंभरी की आराधना करते थे। महाराज न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी ने उनको चित्रकूट और नर्मदा के समीप वाल्मीकि क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। श्री विश्वभानु का विवाह नाग कन्या देवी बिम्बवती से हुआ। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नर्मदा नदी के तट पर तपस्या करते हुए बिताए। इस तपस्या के समय उनका पूर्ण शरीर वाल्मीकि नामक लता से ढका हुआ था। उनके वंशज वाल्मीकि नाम से जाने गए और वल्लभ पंथी बने। उनके पुत्र श्री चंद्रकांत गुजरात में जाकर बसे तथा अन्य पुत्र अपने परिवारों के साथ उत्तर भारत में गंगा और हिमालय के समीप प्रवासित हुए।
आज वह गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। गुजरात में उनको वल्लभी कायस्थ भी कहा जाता है। चौथे थे वीर्य भानु, जिन्हें अष्टाना के रूप में भी पहचाना जाता है। उनका राशि नाम माधवराव था और उन्हीं ने देवी सिंहध्वनि से विवाह किए। वे देवी शाकंभरी की पूजा किया करते थे। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज ने श्री वीर्य भानु को अधिष्ठान में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। उनके वंशज अष्टाना नाम से जाने गए और रामनगर वाराणसी के महाराज ने उन्हें अपने 8 रत्नों में स्थान दिए। आज अष्टाना उत्तर प्रदेश के कई जिले और बिहार के सारण, सिवान, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और भागलपुर क्षेत्रों में रहते हैं। मध्य प्रदेश में भी उनकी संख्या ध्यान रखने योग्य है। वह 5 अल में विभाजित है। यह था न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की पत्नी माता सूर्य दक्षिणा अर्थात नंदिनी के पुत्रों का विवरण। जल्द ही हम आपको न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की दूसरी पत्नी माता ऐरावती अर्थात शोभावती के पुत्रों का विवरण बताएंगे। हरि ओम। अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय चित्रगुप्त देवा, जय श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।
Thank you.